कुछ लोग मेरी उम्र के हैं, कुछ मुझसे छोटे थोड़े छोटे हैं, कुछ मुझसे ज्यादा छोटे हैं और कुछ बहुत ही छोटे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, इंसान को अपना जो पास्ट है, पास्ट मैं सुनिए ना, अरे बात तो सुनिए भाई, पास्ट से बहुत प्यार होता है। आदमी को सबसे ज्यादा लगाव होता है अपने पास्ट, पिछली जिंदगी, बचपन से। जब मैं छोटा था और गाना गाना शुरू किया था तो मैं रफी साहब के गाने सुनता था, आज भी सुनता हूं, सुनता ही रहूंगा। तो मैंने, ए बेटा थोड़ा चुप रहना, घर जाकर बात करना, बीवी के सामने तो बोलती नहीं, चलते थे यहां बड़बड़ बड़बड़ कर। अगर बीवी थोड़ी पढ़ी लिखी होती तेरा सत्यानाश है फिर। तो जो मैं कह रहा था कि अपने बचपन के का जो दौर है, मैं रफी साहब के गाने सुनता था, उनके गाने गाने की कोशिश करता था, आज भी कोशिश ही करता हूं, उनके जैसा दुनिया में कोई गाने वाला पैदा ही नहीं हुआ। तो अभी जो मैंने गाना गाया, मैं अपने क्या बोलते हैं पिछली जिंदगी को, भूतकाल क्या कहते हैं जो भी है, वो जो वो दौर था, उसको मैं याद करता हूं इन गानों के जरिए। हालांकि मैंने अभी तक हिंदुस्तान की सभी भाषाएं मिलाकर 19,000 के करीब गाने गाए हैं, लेकिन मुझे आज भी लगता है कि मैंने जो कुछ भी सीखा रफी साहब से ही सीखा है और आज भी सीख रहा हूं। और हिंदुस्तान में कोई 5% भी उनके जैसा गा ले तो वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गायक है। तो मैं अपने बचपन के दौर को याद करने के लिए ऐसे गाने गाता हूं। और एक गाना गाऊं क्या? सावन के झूलों में मुझको बुलाया, वापस आया मैं परदेसी आया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।